Press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shimaru Movies. जब से दुनिया बनी है, विचित्र और अनोखे इंसान इस धरती पर पैदा होते रहे हैं। इनके अनोखेपन का ना तो मानव मस्तिष्क के पास कोई तर्क होता है और ना ही विज्ञान के पास कोई आधार। फिर भी सत्य सत्य होता है। हमारी कहानी का आधार भी एक ऐसा ही अनोखा महाराजा है जिसका आज 5वां जन्मदिन है। लबों पे सजते हैं, कुछ साज दिलों में बजते हैं। कुछ गीत लबों पे सजते हैं, कुछ साज दिलों में बजते हैं। जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने। कुछ गीत लबों पे सजते हैं, कुछ साज दिलों में बजते हैं। जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने। कितना सुंदर रूप है, शाम सवेरे देखो तुमको कितना सुंदर रूप है। संग तुम्हारा ठंडी छाया, सारी दुनिया धूप है। मौसम भी रंग बदलते हैं, मौसम भी रंग बदलते हैं। सौ दीप नजर में जलते हैं। जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने।
बेटा देवकरण, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है और सबसे ज्यादा हमारे कोहिनूर को अलौकिक शक्तियाँ, और ये सब शायद इसलिए कि हम इंसानों की तरह जानवरों को भी भरपूर प्यार दें और उनकी सुरक्षा करें। जिस तरह तुमने गरीब किसानों को हजारों एकड़ जमीन देकर उनके जीवन को सुरक्षित किया है, क्या उसी तरह मिलो फैले जंगलों को जानवरों के लिए सेंक्चुअरी बनाकर उन्हें सुरक्षित नहीं कर सकते? माँ, सरकार से बात चल रही है, बहुत ही जल्दी हम अपने जंगल को एनिमल सेंक्चुअरी में तब्दील कर देंगे। जेंटलमैन, देवपुर का जंगल एक आम जंगल नहीं बल्कि दौलत का बेशुमार खजाना है, और वो दौलत है नंबर वन, यहाँ पर मिलने वाली नायाब कस्तूरी हिरन की कस्तूरी और इनके सींग और इनकी खाल। नंबर टू, यहाँ के दरख्त जिनकी लकड़ी एकदम उम्दा क्वालिटी की है। और नंबर तीन, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सारे जंगल कटने के बाद अफीम उगाने के लिए ये दुनिया के सबसे बेहतरीन जमीनों में से एक होगी। ठीक है मिस्टर रणबीर, ये सब बातें हमने मिस्टर रणबीर की दीवी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पढ़ ली है। yes. और साथ में ये भी मालूम किया कि इन जंगलों के मालिक देवकरण फैमिली किसी कीमत में भी इन जंगलों का सौदा नहीं करेंगे। मिस्टर योन, सौदा अफीम से नहीं दिमाग से होता है। लेकिन इसके लिए आप करेंगे क्या? सौदा मिस्टर योन, सौदा। सौदा? व्हाट सौदा? एक्सप्लेन। रणवीर डजंट नीड टू एक्सप्लेन मिस्टर योन, ही एक्सिक्यूट्स। देवपुर का ये करण एस्टेट, जहां आज मैं एक मामूली मैनेजर हूं, कुछ ही दिनों में मेरा हो जाएगा। मैं शादी को शादी नहीं मानता। इतना बड़ा धोखा, स्टेट का एक मामूली नौकर होकर तुम्हारी ये मजाल कि राजकुमारी को भेला फुसला कर कोर्ट मैरिज करने की जरूरत की तुमने? बेटा देवकरण, शादी विवाह तो दिलों के रिश्ते हैं, एक बार मन से कर लिया तो बाकी सब तो रस्में हैं। लेकिन माँ, रणबीर अब हमारे परिवार का दामाद है बेटा। हाँ जीजा जी, मैंने अच्छी तरह से मालूम कर लिया है, दामाद जी का परिवार कुछ छोटे मोटे लोगों का नहीं है, वो देश में करोड़ों का व्यापार है इनका। इन्होंने तो हमारे यहाँ नौकरी इसलिए की थी क्योंकि इन्हें रानी बेटे से प्रेम हो गया था। अरे दामाद जी, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? आइए ना, बीजी का आशीर्वाद लीजिए। आइए आइए आइए। कुंवर जी, अब आप करण परिवार के सदस्य बन गए हैं, आइए मैं अपने परिवार के लोगों से मिलवाऊं। ये है हमारे हनुमान बाबा। खुश रहो। इन्हें तो आप पहचानते ही हैं, मेरे चचेरे भाई हैं सूर्यमणि भाई साहब। जीते रहो जीते रहो। और ये है इनके साले विष्णु मुन्ना भाई। मैं ऐसा ऐसा साड़ा नहीं हूँ, ट्रिपल साड़ा हूँ, तीन तीन बहने भी आई है इनके साथ। आइए, नमस्ते। और ये है अमीना भी। बस यूँ समझ लीजिए कि अपने बच्चों को जन्म तो मैंने जरूर दिया है, लेकिन बड़े हुए हैं अमीना बी की गोद में। आदाब। खुश रहो। और ये है अमीना बी के बेटे अली और असलम। और ये है मेरी प्यारी प्यारी बेटियां श्वेता और मीनाक्षी। नमस्ते, नमस्ते। अरे श्वेता, कोहिनूर कहाँ है? ये है मेरा बेटा कोहिनूर। कोहिनूर बेटे, ये तुम्हारे फूफा जी रणबीर सिंह हैं। नमस्ते करो इन्हें। ये कोई जादू नहीं,
मेरे बेटे पर परमात्मा की कृपा है। बात उस समय की है जब कोहिनूर पैदा होने वाला था। हम गोशांग बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए कुलदेवता के मंदिर जा रहे थे कि अचानक रास्ते में बहू, धीरज रखो बहू, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बहू, धीरज रखो, घबराओ नहीं, धीरज रखो। ये तो रत्नों में रत्न कोहिनूर है। सहस्त्र वर्षों में एक बार ऐसा होता है। अंतरिक्ष में दो नक्षत्रों के टकराने से दिव्य चुंबकीय प्रकाश उत्पन्न हुआ था जो दैव योग से आपके बालक की आंखों में प्रवेश कर गया है। अब यह कोई साधारण बालक नहीं है, असाधारण है, अद्भुत है, सम्मोहन शक्ति का स्वामी है। एकाग्रता से देखे तो लोहे को भी पिघला सकता है। किंतु स्मरण रहे कि इस सम्मोहन शक्ति का प्रयोग पशु पक्षी और प्रकृति के कल्याण के लिए ही करें, मानव पर इसका प्रयोग ना करें, अन्यथा यह अद्भुत शक्तियां लुप्त हो जाएंगी। शास्त्रों के इस विधान का स्मरण अपने कुल के इस कोहिनूर को सदैव करवाते रहना। कोहिनूर तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक ऐसे परिवार का दामाद हूं जिसमें कोहिनूर जैसा हीरा है। चला जा देवपुर से, वापस विदेश चला जा। ये बच्चा कोहिनूर तेरी मौत है, मौत। जा 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 कहीं, जा छिप जा कहीं। फिर सिट्टी बज गई। जीजा जी कामड़ा बंद करो। अरे फिर उल्टी सिगरेट। पार्टनर बनाया तो निभाना पड़ेगा। कोहिनूर कहां है? कोहिनूर, कोहिनूर, अल्लाह।
असलम को नीचे रख, नीचे रख। ये ले, कोहिनूर को लेकर वहां जाकर छुप जा, जा जल्दी। कोहिनूर कहाँ है? चला जाए और मेरे तांत्रिक दृष्टि उसे न देख सके, जा, तू उसे रोक ले, तू उसे खत्म कर दे। कोहिनूर बेटे जल्दी भाग, जल्दी। कोहिनूर बाबा, छोड़, छोड़। कोहिनूर, आया। माफ करना कोहिनूर, मैं मजबूर हूं। माफ करना। जल्दी। जिंदगी रहे ना रहे, जंग तो जारी रखनी ही होगी, इसलिए मैंने अपने बड़े बेटे अली को सब कुछ समझाकर अपने से दूर भेज दिया है। अब करण परिवार के इस आखिरी चिराग की जिम्मेदारी आपकी है बाबा। नमक करण, जिस तरह तुमने झुका है अमीना भी, उतनी सामर्थ्य तो नहीं है मेरी, पर हाँ, वचन देता हूं इस बहुमूल्य कोहिनूर को देवपुर की स्मृतियों से दूर अपनी आत्मा में छिपा कर रखूंगा। बाबा, ठीक 20 साल बाद जब ये जवान होगा, अली आपके पास पहुंचेगा मधुबन, इसे वापस देवपुर लाने के लिए। और देखना, खुदा ने चाहा तो इसी अमावस के दिन रणवीर को मारकर उसका हर जुल्म खत्म किया जाएगा, इंशाल्लाह। चल बेटे। ऐ मेरे परवरदिगार, इस गरीब मुसलमान औरत के इस कॉल की इज्जत रखना। अपने बेटे की कुर्बानी देने वाली इस अमीना माँ ने हजारों जुल्म सहकर भी रणवीर को कोहिनूर का पता नहीं बताया। और उधर कोहिनूर हिमालय के नीचे मधुबन में गंगा की गोद में पलने लगा। इधर रणवीर ने पुलिस के कुछ अधिकारियों को अपने साथ मिलाकर कानून को यह बात मनवा दी कि करण परिवार की हत्या डाकुओं ने की है। और यही नहीं, उसने मगरमच्छ के आंसू भी खूब बहाए। और करण परिवार का अकेला जीवित वारिस होने के नाते वो उसकी तमाम दौलत और जायदाद का मालिक भी बन बैठा। मगर कोहिनूर के खौफ ने उसे एक रात भी चैन से सोने नहीं दिया। फिर भी बुराइयां कहां मानती हैं।
महाराजा सेंचुरी रणवीर फार्म में बदल गई। जानवरों को मारा जाने लगा, पेड़ों को काटा जाने लगा और वहां बड़े पैमाने पर अफीम की खेती करने के लिए गरीब किसानों को अफीम के नशे का आदि बनाकर बंधुआ मजदूर बनाया जाने लगा। लेकिन अमीना के बड़े बेटे अली ने यह गुलामी कबूल नहीं की और वो बड़ा होकर बागी हो गया और उस दिन का इंतजार करने लगा जब उसके छोटे भाई असलम की शहादत रंग लाएगी। और आज 20 साल बाद अपनी मां के हुक्म के मुताबिक वो अपने छोटे भाई असलम की निशानी सीने से लगाकर कोहिनूर को हनुमान बाबा के पास से वापस देवपुर लाने के लिए रवाना हो गया। और इधर रणवीर पहुंचा अमीना मां के पास। अमीना, 20 साल तो हो चुके, तेरा कोहिनूर बाबा अभी तक नहीं आया। अपनी मौत के लिए कोई आदमी इतना बेसब्र भी हो सकता है? पहली बार देख रही हूं। बीस साल अभी पूरे कहां हुए हैं रणवीर? आज अमावस्या की नहीं, पूनम की रात है। जा जाके देख बाहर, अभी तो आसमान में पूरा चांद निकला है और जिस दिन ये चांद डूबेगा उस दिन तेरी जिंदगी का सूरज डूबेगा। मेरा अली कोहिनूर को लेने गया होगा। रणवीर, कोहिनूर की शक्तियां याद है ना, जिन्होंने बचपन में ही तेरे होश उड़ा दिए थे? सोच सोच, अब 20 साल बाद माशाल्लाह उनका आलम न जाने क्या होगा। जाने, अरे क्या हो गया इन घोड़ों को? ए बॉय, इजी इजी। वो देख सामने, देख सामने, शेर, जंगल का राजा। राजा नहीं, महाराजा। ये तो कोई खतरनाक जंगली लगता है। राजा, ये तो अपना कोहिनूर है। कोहिनूर मगर धरती की कोख से पैदा हुआ कोई बेशकीमत हीरा नहीं, बल्कि हिमालय के इन जंगलों में पलकर बड़ा हुआ एक मामूली आदमी, एक आम इंसान जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं मगर इतना जरूर जानता है कि जान चाहे जानवर की हो या इंसान की, जान जान होती है। खून चाहे जानवर का गिरे या आदमी का, दर्द दोनों को एक सा होता है। मगर अफसोस, आप लोग शहर के पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी मामूली सी बात नहीं समझते। आज ये बेजुबान तुम्हें ये बात समझा देंगे। दर्द का एहसास बात समझ में आई कि
दोबारा शिकार का शौक जगे तो जंगल के इस महाराजा को याद कर लेना। तो सही सोचो तो जरा, मौसम की रवानी तुम ही तो हो। ठहरो तो सही सोचो तो जरा, मौसम की रवानी तुम ही तो हो। सावन की रिमझिम मस्त घटा, ये शाम सुहानी तुम ही तो हो। ठहरो तो सही सोचो तो जरा, मौसम की रवानी तुम ही तो हो। आती है मैं प्यार से सुनता जाता हूँ, बागों की महकी गलियों से मैं कलियां चुनता जाता हूँ। बेचैनी मेरी धड़कन की, ख्वाबों की कहानी तुम ही तो हो। ठहरो तो सही सोचो तो जरा, मौसम की रवानी तुम ही तो हो। जब पंछी सुर में गाते हैं, ऐसा लगता है साजिंदे कहीं अपना साज बजाते हैं। बुलबुल के पैरों की पायल, भंवरों की जुबानी तुम ही तो हो। तो सही सोचो तो जरा, मौसम की रवानी तुम ही तो हो। सावन की रिमझिम मस्त घटा, ये शाम सुहानी तुम ही तो हो। ठहरो
तो सही, सोचो तो जरा, मौसम की रवानी तुम ही तो हो। हमने दुनिया का आठवां अजूबा ढूंढ निकाला है और जब ये फिल्म हम दुनिया को दिखाएंगे हमारा नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ जाएगा। श्योर। संतरा, ये रील संतरा कैसे बन गया? संतरा? इस लड़के को कितनी बार समझाया कि बाहर वाले लोगों के सामने अपनी शक्तियां ना दिखाया कर, पर मानता ही नहीं। अरे ये तो गुलटिया है जो लोगों के कैमरे से रील निकाल लाता है। अगर किसी दिन नहीं निकाल पाया तो क्या हो जाएगा? अरे तू समझता क्यों नहीं, तू कोई मामूली आदमी नहीं है। तो क्या कोई महाराजा हूं? क्या बाबा खाम खा परेशान होते रहते हो। कैसे बताऊं? अरे तुझ में जो शक्तियां है ना वो किसी महाराजा में भी नहीं है। इसलिए तो डरता हूं कि जैसे अंग्रेज कोई नूर हीरा इस देश से चुरा कर ले गए थे, ये दुनिया वाले कहीं तुझे मुझसे छीन ना ले। हनुमान बाबा, इसके पैरों में जंजीर तो इसकी दुल्हनी आकर लगाएगी। मेरी बात मानो तो शिव चौदस के मेले में इसे भेज ही दो। भेज तो दू पर ये इतना भोला है कि अपने कपड़े तक पसंद नहीं कर सकता, दुल्हन क्या पसंद करेगा। इतना भोला भी नहीं हूँ, आप कहे तो लड़कियों की कतार लगा दूं, एक पाँव दबाने के लिए, एक बर्तन मांजने के लिए, एक कपड़ा धोने के लिए। अरे बस बस बेटा, एक ही काफी है, ढंग के कपड़े पहन कर जाना मेले में, कोई ना कोई मिल ही जाएगी। ओ मुनिया ताई, जरा एक बात सुनो, जरा एक बात तो बता, ये लड़कियाँ कपड़े पसंद करती है या मर्द? धर दुदु कहीं का। प्रभु एक ही विनती है, इस मेरे महाराजा की दुल्हन भले ही कहीं की राजकुमारी ना हो पर इसकी तरह भोली और सीधी सादी होनी चाहिए। क्या होगा? ऐसा भी होता है ओए। क्या? अब तुम गाड़ी संभालो, मुझे फटाफट स्टूडियो पहुंचना है। अरे सुनो, एमएम साहब, ये गाड़ी तुम ही चलावत रहे हो का? हमो नहीं, गाड़ी ड्राइवर चलाते हैं। हाँ। ड्राइविंग सीट से तो आप उतरी हैं। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो आंखों से दिखाई देता वो होता नहीं और जो होता आंखों से दिखाई नहीं देता। जैसे ड्राइविंग सीट में मैं बैठी, ड्राइविंग मैंने करी थी, ड्राइविंग सीट में ये नहीं बैठा था, ड्राइविंग ये कर रहा था। कर रहे थे ना डाली? हाँ हाँ, समझ गए? नहीं। तुम समझ गए? नहीं। ओए तुम्हें इनको समझाना, जो कुछ मैं करती हूँ वो मैं नहीं करती, वो तुम करती हो, जो कुछ तुम नहीं करते वो मैं करती हूँ। आगे तुम मेरे होने वाले स्वीट मंगेटर हो ना। ओके मैं चलती हूँ, टैक्सी। भाई साहब ये क्या कह रही थी? ये कहत रही कि आप कितने अच्छे ड्राइवर हो, कितनी बढ़िया फास्ट और गाड़ी बहुत अच्छी तरह चलावत हो। मेरा नाम है BPLO, एनी प्रॉब्लम? नमस्कार, लीजिए आज एक बार फिर कुदरत के अजूबे अनोखों से भरा आपका ये मनपसंद प्रोग्राम ऐसा भी होता है लेकर शैली माथुर आपके सामने हाजिर है। आज हम आपको दिखाएंगे कुदरत के बनाओ ऐसे तीन इंसान जिन्हें देखकर आप खुद बोलेंगे ऐसा भी होता है। जी हाँ, हमारे पहले इंसान है जबलपुर के अनुषा। इनका अनुभवन है कि आपके और हमारी तरह दाल रोटी मटन चिकन नहीं खाते बल्कि ये खाते हैं कांच। ओह, इज इट टेस्टी? जस्ट किडिंग।
जाएंगे ना, ऐसा भी होता है। जी हाँ, ऐसा भी होता है। I'm broken. शैली ना जाने कहाँ चली गई। ये प्रोग्राम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्रोग्राम हो चुका है। किसने किया? बिग पियर आए। बॉक्सर था बॉक्सर, मुझे बहुत मारा, कुत्ते की तरह मारा। Shut up. मिस माथुर बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन है भिखारी? अफसर? वो मेरा बाप है जो इनसे मिलना चाहता है। यू आर टर्मिनेटेड, टर्मिनेटर पार्ट 3। थैंक यू सर। चलिए पापा से मिलने। मुझे और पिटना है क्या? ऐसा भी होता है भाई साहब? ऐसा भी होता है शैली। कुछ ज्यादा ही हो गया सर, यकीन नहीं आता इंसान अपनी आंखों से देखकर जानवर को हिप्नोटाइज कर दे, मेटल को पिघला दे। इम्पॉसिबल सर। दुनिया का आठवां अजूबा है वो। दैट्स इट। इसीलिए तो हम चाहते हैं शैली कि तुम उसे हिमालय के जंगलों से निकाल के यहाँ लाओ, ताकि हम उसे अपने सैटेलाइट चैनल्स पर दिखलाकर मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस पैदा कर सके। I request you one more time, sir. Before we take it so seriously, we must investigate it. What? Investigate? Yes. उसको मैंने अपनी आँखों से देखा है। कोहिनूर नाम है उसका। अरे हमने उसकी तस्वीर निकालने तक की कोशिश की है। लेकिन जैसे भूत प्रेत की तस्वीर एक्सपोज नहीं होती, उसकी तस्वीर भी एक्सपोज ही नहीं हुई। न जाने कैमरा की रीड कैसे संतरा बन गई। संतरा? हाँ। लो। रील संतरा बन गई। सिंपल बात है टूटू। मधुबन में शिकारी महोदय की मुलाकात हाथ की सफाई दिखाने वाले किसी छोटे मोटे जादूगर से हो गई होगी। और बॉस हमारे सीरियस हो गए। ऐसा भी होता है टूटू। लेकिन दीदी ऐसा हो भी सकता है। हाँ दीदी, हिप्नोटिज्म साइंस ही तो है। कम ऑन टूटू। दीदी दीदी लिसन, दीदी दीदी आप भूल गए क्या? याद है कुछ दिनों पहले आपने अपने प्रोग्राम में एक आदमी को दिखाया था जो अपनी आई पावर से दूर की चीजों को हिला देता था। टूटू, अमेरिका जाने के लिए हमारा बैग रेडी हो गया है, इसे वहाँ रखो। प्लीज दीदी समझने की कोशिश करो, हो सकता है ये बात सच निकले और फिर। और अगर ऐसा हो गया तो दुनिया के सैटेलाइट वर्ल्ड में हमारी कंपनी के नाम का धमाका हो जाएगा। इंटरनेशनल चैनल्स हमारा प्रोग्राम खरीदने के लिए बोलने लगाएंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर एक नया नाम जुड़ जाएगा, द डिस्कवरी ऑफ कोहिनूर बाय द वन एंड ओनली द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट प्रीटियस लेडी मिस शैली और उसके नन्हे से प्यारे से छोटे से मंगेतर मिस्टर बीपीएल ओए। व्हाट डू यू मीन? आई मीन हम जो अमेरिका जा रहे थे, चार साल के बच्चे की इंटरव्यू लेने जो 16 भाषाएं बोल सकता है वो ट्रंक ट्रंक कैंसल। कैंसल? यस, नो अमेरिका नो लंदन, हमें जाना है मधुबन कोहिनूर को लाने। इट्स टू हॉट। पहले प्लेन, फिर ट्रेन, अब फिर ट्रेन। 12 घंटे का सफर, ऊपर से अमेरिका जाने के बजाय अब हम जा रहे हैं मधुबन जंगलों में। Fantastic, very good. We are idiots. No. वो भी उन दोनों शिकारी महोदय के रिकमेंडेशन पर जिनकी बात का मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। What? अगर मुझे कोहिनूर नाम का जानवर नहीं मिला तो मेरे गले में पट्टा डाल देना। हाँ बिल्कुल। ये क्या बोल रही थी? अबे जानवर भी अकल वाले होते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। हाँ, मुझ में अकल नहीं है। शैली, शैली, लिसन, शैली। सॉरी, माफ करना बहन जी। बहन जी? कौन बहन जी? मैं बहन जी नहीं, भाई साहब हूँ, मैन ऑफ इंडिया। इंडिया बहन जी, मधुबन जाने वाली गाड़ी किस प्लेटफॉर्म से जाएगी? आप मधुबन जा रहे हैं? वहाँ पर कोहिनूर नाम का एक जानवर, मेरा मतलब इंसान है, जो जानवरों को हिप्नोटाइज करने की औल पावर रखता है। सम्मोहित। सम्मोहित। हम उसी को लेने जा रहे हैं। क्या वो अपनी आंखों की शक्ति से लोहे को भी पिघला देता है? बिल्कुल, पानी की तरह पिघला देता है। फैंटास्टिक। शैली, शैली, सुना तुमने? सुना? इसका मतलब शिकारी की बात में कुछ तो सच्चाई होगी। 100% सच्चाई है। ये तो वहां जाकर ही मालूम पड़ेगा।
शैली, ये भी तो वहीं जा रहा है, अगर कोई उनको लेकर चला गया तो क्या होगा? सर तो तब जाएगा जब ये वहाँ पहुँचेगा। भाई साहब आइए जी, आइए आइए प्लीज, कमेंट कमेंट ना भाई, क्या हमारा क्या आप जैसे नेक लोग मिल गए। हाँ नहीं तो हम मधुबन की गाड़ी पकड़ी ना, खुल उल्टा आइए आइए, कमेंट, ये तो हमारा फर्स्ट था, हमारा फर्स्ट था, डोंट फियर, कम नियर माय डियर। अरे वाह, ये तो बहुत ही साफ सुथरा है। इसकी तो सीटें भी गद्दे वाली हैं। हम देवपुर से जिस गाड़ी में आए हैं ना, उसमें तख्ते लगे हुए। अरे ये तो फर्स्ट क्लास है, इसमें तो शहर के सिर्फ पढ़े लिखे और आमिर लोग ही बैठते हैं। ये जो टीटी है ना, टीटी देहाती लोगों को इतने अच्छे डब्बों से निकाल कर सड़े हुए टूटे हुए फट्टे वाले डब्बों में डाल देते हैं। ये तो बहुत नाइंसाफी है जी। आपको मालूम है ऐसी ही नाइंसाफी गांधी जी के साथ हुई थी दक्षिण अफ्रीका के अंदर। पता है गांधी जी ने क्या किया? हाथ में पकड़ लिया झंडा और खोल दिया अंग्रेजों का भंडा। एंड देयर वाज अ वॉर, जंग छिड़ गई थी। अगर तुम्हें भी कोई उठाए ना तो तुम ही जंग छेड़ देना। हाँ? अरे छोटे बाबू, किसकी मजाल है जो हमें यहाँ से उठाए, हम तो उसका टेंटियों पकड़ के ऐसे कर दे। आइए आइए, तुम यहाँ कैसे बैठ गए? पैसे दे के टिकट खरीदी और डिब्बे में आके बैठ गए। सेकंड क्लास, तुमने तो सारी गाड़ी खरीद ली क्या? चलो उठो। बाबू हाथ मत लगा, जंग जंग हाथ मत लगा। अरे जुबान लड़ा था इडियट, कोट पहन कर अंग्रेजी बोलता है, टोपी वाले। अरे तू बैठेगा बाबू, बैठ। अरे अरे हवलदार, हवलदार, ऑर्डर ऑर्डर, असॉल्ट ऑन ड्यूटी, धारा 146, 500 रुपए जुर्माना। अरे सरकार, हुजूर मेरी बात। 1000। अरे मालिक मेरी विनती तो सुन लीजिए। 2000। अरे कैसी बात कर रहे हैं मालिक। 4000। अरे सरकार मैं कहाँ से दूंगा, चोरी करके लाओ। 3 दिन की जेल। नेक्स्ट। अरे अरे जेल में नहीं सरकार, मुझे मधुबन जाना है सरकार, बहुत जरूरी है। अरे ये तो बॉम्बे से भी मॉडर्न है, बरमुडास, बरमुडा। ओए बीपीएल, ओए ये बरमुडास नहीं है, जांगिया है, जांगिया। जांगिया? ओए टाइम मिस मत करो, हमें कोहिनूर को ढूंढना है। कोहिनूर, वेयर आर यू, वी आर कमिंग। देवियों, सज्जनों, केवल 1 रुपए में अपना भविष्य जानिए, केवल 1 रुपए में। देवियों आइए, सज्जनों आइए, बहन जी। आप शहर से आई है ना? मैं आई नहीं हूँ, आया हूँ। मैं भेंजी नहीं हूँ, भेंजा हूँ। I am a he-man. डिचू, डिचू, डिचू। अबे हिलना बंद कर। भेंजी, मेरा मतलब है जज्बान, गलती हो गई। आप अपने शुभाद इस मटकी में डालिए और अपने उज्जवल भविष्य को जानिए केवल 1 रुपए में। BPL ओए। ट्राई कर ले। ट्राई कर लूं, मत की। मेरा है। अरे बाला, मेरा है। माइन, माइन। जज्मान, जज्मान मत कीजिए। लगता है आप दोनों का भाग्य एक ही पत्र में लिखा है। मैं पढ़ के बताता हूँ। उत्तम, अति उत्तम। इसमें लिखा है, आज आपकी मुलाकात पिछले जन्म के प्रेमिका से होगी और आपकी भी। हाँ तो भैया, क्या कह रहे थे कोहिनूर के बारे में? अरे हाँ सुना तो है, कोई जादूगर है। सिर्फ सुना है कि देखा भी है? अरे मैम साहब, इतना बड़ा हिमालय का पहाड़ी जंगली इलाका है, उनमें न जाने कितने तांत्रिक बसे हुए हैं, और हम अपना धंधा देखें कि उन्हें देखें। ले भैया। ये बताओ कि कोहिनूर के चमत्कार में कोई सच्चाई भी है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और मैम साहब खुद अपनी आंखों से देख लो। यहाँ से 40 कोस दूर दलौटी गांव है, वहाँ एक मेला लगा है। आसपास के इलाके के कुंवारे लड़के अपनी दुल्हन को तलाश करने वहाँ आते हैं। शायद कोई दूर भी आ जाए। तेरी दुल्हन आज ही तुझे इसी मेले में प्राप्त होगी, मुस्कुरा के। इसी मेले में? हाँ। कहाँ? उत्तर में, उत्तर की ओर से पश्चिम को प्रस्थान करो, फिर पूरब की ओर देखो, दक्षिण में गंगा की धार बह रही होगी, उसमें रामधार, बीच में वो बालिका खड़ी होगी मुस्कुरा के। और वो देखने में कैसी होगी? उसके होंठ गुलाब की पंखड़ियों की तरह पतले और मोटे। पंडित, या तो पतले बोलो या मोटे बोलो। क्षमा करना बालक, गुलाब की पंखड़ियों की तरह पतले, मुस्कुरा के धाम। और उसकी आंखें? उसकी आंखें
नींबू की भागे मृग नहीं मुस्कुरा के धम। और उसका रंग? उसका रंग जैसे 10 किलो दूध में 22 किलो केसर डाल दी गई हो। मुस्कुरा के धम। पंडित जी। हाँ जी। बोलिए। हाँ जी। अगर आपकी बातें झूठी निकली, हाँ बालक, तो हाथ तो आप मेरा देख ही चुके हैं। मैडम, 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 मुस्कुरा के। बहुत मुस्कुरा रहा है। दुल्हन के मिलने के बाद सारी जिंदगी रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा मुस्कुरा के। जैसे 40 साल से मैं शादी करने के पश्चात आज तक रो रहा हूँ मुस्कुरा के। नाइस, वेरी नाइस। हर हर गंगे, हर हर गंगे, वेरी गुड। पार ना हो रहा कलप। I like it. Beautiful, very good, amazing. It's so beautiful. Yeah, come on. Hi. You see what happened? You don't knock, you always hitting me, okay? ये पंडित कुछ ठीक ही बोला लगता है। ओ दरोगा बाबू, ये हाय का मतलब क्या होता है? हाय इतना भी नहीं जानते? जब शहरी लोग किसी को अपना दोस्त मानते हैं ना, तो उसे हाय कहते हैं। दोस्त? हाय। 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 देख के तुझको ऐसा लगे, देख के तुझको ऐसा लगे, तू है जिंदगी। हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय अजनबी, मार न डाले मुझको कहीं, मार न डाले मुझको कहीं, ये तेरी सादगी। हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय अजनबी। की है क्या है तेरा नाम, रहती कहाँ है, क्या करती है काम? कितने बरस की है, क्या है तेरा नाम, रहती कहाँ है, क्या करती है काम? बेरुखी बुरी है तेरी जिंदगी में, आजा मेरी, बन के रहूंगा मैं तेरा गुलाम। दिल की लगी है समझना इसको, दिल की लगी है समझना इसको, कोई दिल लगी। हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय अजनबी। सु तेरे गोरे गोरे गाल, बड़ी मस्तानी है दीवानी तेरी चाल। काले काले गेसु तेरे गोरे गोरे गाल, बड़ी मस्तानी है दीवानी तेरी चाल। होश भी उड़ाया तूने, चैन भी चुराया तूने, देख तो बनाया तूने कैसा मेरा हाल। छोड़ दुश्मनी कर ले मुझसे, छोड़ दुश्मनी कर ले मुझसे, अब तो दोस्ती। हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय
जाए अजनबी। आइए मैडम आइए बैठिए, मैं कोहिनूर को अभी ढूंढ के लाता हूँ, अभी गया और अभी आता हूँ। मैडम लेकिन मेरी दक्षिणा। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, जल्दी आना। अच्छा मुलाकात करोगे चक चका चक। हो सकती है? वो क्यों नहीं सकती है, मगर उसके लिए दक्षिणा देनी पड़ेगी चक चका चक। मगर ये कहाँ का रिवाज? अरे यहाँ का रिवाज तो ऐसा ही है। हा, हा। दर्शन करने के 20 रुपये, बात करने के 40 और छूने के 80 रुपये। ये तो तुमसे भी तेज निकला, सीधा चुमने की बात करता है, उसके 200 रुपये लगेंगे। ब्याह करने के कितने लगेंगे? सीधा ब्याह तक पहुंच गया, उसके 500 रुपया पड़ेंगे। अच्छा चक चका चक बस। ये बहुत अच्छा है, कहाँ मिलेगा? हाँ। अरे अरे किधर, गलत जगह घुस गया। ये भी वही मिलेगा? हाँ ओहो। हाय। हाँ। यहाँ भी किसी को चमत्कार करते हुए देख। ये क्या बदतमीजी है? अरे नाराज मत हो, हमको तुम्हारा रिवाज मालूम पड़ गया है। रिवाज? दीस देखने के। देखने के 40, बात करने के। What nonsense? अब हमारे बगल में बैठ के हमसे प्यार से बात करो। अरे बैठो तो सही। ये क्या कर रहे हो तुम? अच्छा अच्छा समझ गया, पैसे दिए बगैर छू लिया इसलिए बुरा मन गई ना। ये लो 100 रुपए, ये ठीक है ना? Have you gone mad? साफ साफ बता तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ। ब्याह? पूरे 500 रुपए दूंगा। तुम 500 रुपए देके मुझे ब्याह करना चाहते हो? मुझे मालूम है मैं थोड़ा ज्यादा दाम दे रहा हूँ, मगर मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं, मैं शादी के बाद और भी दूंगा। Shut up! अरे भाई नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हारे आदमी ने मुझे तुम्हारा इतना ही दाम बताया था। मेरा कौन आदमी? ओई? हाँ वो जो कोई भी है, उसने बताया कि तुम्हें देखने के 20 रुपए, बात करने के 40, छूने के 80, चूमने के 200 और ब्याह करने के पूरे 500। हाँ चूमने के 200 रुपए पूरे। अरे वाइस इज आफ्टर मी, लाल ऐसे चली उतार इसे। ओह नो, शर्ट भी उतारू। मैं पैंट भी लाल उतार इसे। अरे अच्छा उतार दो उतार दो। अरे ये ले 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 बचाओ बचाओ बचाओ। ओए! तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा सौदा 500 रुपए भी किया? हो ही नहीं सकता, इतने सस्ते में मैं तुम्हारा सौदा कर ही नहीं सकता। क्यों? मेरा मतलब है सौदा तो मेरा हो गया, इतना तगड़ा मोटा भैंसा मेरे पीछे पड़ गया और एक भैंस ने बचा भी लिया। किसने मेरा सौदा किया? अरे अरे इसने नहीं, इसने नहीं।
वो तो कोई समझदार लग रहा था। What do you mean? कौन है ये पागल? Don't touch me. मैं तुम जैसे जंगल के लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। जैसे शहर की लड़की देखा पीछे पड़ जाते हो। तुम जानते हैं मैं कौन हूँ? ये मेरी मंगेतर है। आओ, अगर 500 में सौदा हो जाता तो मैं तुमसे अब तक शादी कर चुका होता। Shut up! मंगेतर? मगर जोशी महाराज तो कह रहे थे कि बहुत खेलते हो। कोहिनूर तो जाने कोई खेल हो गया। वो हवलदार भी अभी तक नहीं आया। मुझे तो पहले से ही सब फ्रॉड लगता था। मगर क्यों दीदी, आपने तो अब तक ऐसे कितने अजीबोगरीब कारनामे करने वालों के इंटरव्यूज लिए हैं। हाँ, जो इंटरव्यू देने आते हैं ना, उन्हें 100 में से 90 लोग फ्रॉड होते हैं। लेकिन ये फ्रॉड नहीं हो सकता। मेरे पापा के दोस्त ने उसको देखा है। और फिर उस देहाती को भूल गई तुम, जो हमें स्टेशन पर मिला था, जो कोहिनूर को लेने आया था? उस बेवकूफ देहाती का क्या भरोसा। हाँ, चलो यहाँ से सामान उठाओ। टाइम वेस्ट किया। अरे मैम साहब, आप उधर कहाँ जा रही हैं? मैं कोहिनूर को ले आया। टकला कोहिनूर स्टेटिंग और अ डंकी। जल्दी आओ। जब नाम सुना, ये कोहिनूर है या कार्टून? अरे काट मत, ये गधा बेहोश तो हो जाएगा ना। अरे तू इसकी फिक्र मत कर, मैंने इसको अफीम खिला दी है। कोहिनूर सर, बीपीएल ओए आपको नमस्ते बोलता तो है। तो ये कोहिनूर है? अरे मैम साहब, ये कोहिनूर नहीं, कोहिनूर हीरा है, हीरा। आप इसे आजमा के देखिए। आजमा के? आजमाने की कोई जरूरत नहीं, 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 आजमाने की बहुत जरूरत है। अरे मैं इसीलिए तो साथ में गधा लेके आया हूँ। कौन सा वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला, लेकिन मेरे 5,000 मिल जाएंगे। लेकिन इस गधे को नहीं, उस बैल को सम्मोहित करो। सम्मोहित? अरे रुक, क्या किधर रहा है? भाग रहा है। फ्रॉड, चीट। I told you, so told you. Now straight to station. आप क्यों मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं? आपको बार बार कह दिया, कल 12 बजे से पहले कोई ट्रेन नहीं जाएगी बहन जी। अरे व्हाट बहन जी, बहन जी, बहन जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि बहन जी, मैं नहीं बहन जी, ये कानों में कुंडल, पीछे चोटी, बहन जी नहीं तो क्या माँ कहूँ? यू बुड्ढा, कूल डाउन। मेरा अमेरिका का ट्रिप कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, मेरा कितनी वक्त वेस्ट हो रहा है, कुछ सोचो। ओके बुड्ढे, यहाँ पर कोई डिस्को है? यहाँ जानवर डिस्को करते हैं बहन जी। बुड्ढे, दीदी एक आइडिया है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करेंगे। हाँ, यानी के शेर चीतों की तस्वीरें। कैसा आइडिया है बहन जी? बहन जी, झटको फाइनल, झटको। स्टूपिड, ओए गाड़ी भी ला दे तो अपने जैसा। यू मीन डिस्को टाइप? शट अप, रॉड कोहिनूर के चक्कर में मेरा सारा प्लान। ओह माय गॉडनेस। अरे वो देखो, वो देखो, सामने सामने हिरन, हिरन, हिरन। अबे वो हिरन नहीं, कुत्ता। जंगली डॉग जैसा ही है। ओके, गुड 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 गुड। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको मैडम, इसे स्टॉप करना, रोको रोको। यस मैडम, नेचर। अरे एलिफेंट, हाथी, हाथी मेरे साथी। अरे फोटोग्राफ लो, जल्दी से लो। अरे उनका फेस इधर नहीं है, फेस नहीं है। एक मिनट, एक आईडिया, उनका फेस इधर करने को। अरे मुंडी इधर कर हाथी, ये देखो बीपीएल सचिन, गो। अरे भाग, अरे चलो, come on, come on, let's go. Oh my god, जल्दी भागो। अरे आप पास, अरे जल्दी, जल्दी चला ड्राइवर, अरे जल्दी कर, जल्दी, अरे मेरे साथ, अरे फंस गया, मर गया। मैं धक्का देता हूँ, धक्का देता हूँ, मैं धक्का दे रहा हूँ। अरे हाँ, निकल, अरे हाथी, अरे
कहाँ फंस गए? मुझे घर की मौत याद आ रही है, पापा की मौत याद आ रही है मेरे को। माँ की याद दिलाऊं? हाँ प्लीज। मम्मी गणपति बाबा हमारी Man, according to Aristotle, the social animal, his nature is such a kind of level. अबे यार उसे English नहीं आती है। Oh sorry sir. उधर। Oh, sir, आप मेरे साथ बॉम्बे चलिए। Superman, Batman की तरह wild wild oi अंग्रेजी नहीं आती आपको प्रसिद्ध कर दूँगा। Sir, TV पर आपका खुद का चैनल होगा, जिसका नाम होगा Mr. Kohinoor Channel, जिसके अंदर आपके अजूबी ताकत के कारनामे दिखाए जाएंगे और एक एक कारनामे का मिलेगा 1,000 रुपया। एक लाख भी मिल सकता है। यस सर, $3,000। पैसे के लिए अपने आप को तुम जैसे लोग बेचते होंगे। हम नहीं। बचाओ! अरे कहाँ से आऊँ? जाओ यहाँ से, मैं नाटक कर रही हूँ। तो तुम्हारा बोझ मैंने उठा लिया, मगर जिंदगी भर कौन उठाएगा? तुम। अभी भी नहीं पटा यार। He's not like you, idiot. शायद तुम्हें यकीन ना हो, मोहब्बत की दुनिया का यही रिवाज है, जान बचाने वाला जान का मालिक होता है। मेरे सर पे चोट लगी, I mean पैर पे। मुझे नीचे क्यों गिराया? हाँ प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चले ना, I mean वैजी के पास प्लीज। ये यहाँ घोड़ा है और वहाँ तुम्हारा मंगेतर है, उसे कहो कि वही तुमको लेकर चला जाए। अरे वो मेरा मंगेतर नहीं है। He is acting यार, have some brain। ओए कोहिनूर, मिस्टर कोहिनूर, शहरों के अंदर दोस्त को भी मंगेतर कहते हैं। मैं इनका कोई मंगेतर मंगेतर नहीं हूँ, प्लीज इस दुखियारन की मदद कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। सॉरी। ये जा रहा है। अरे कुछ करो ना। अरे तो कुछ करना। चुप, जरा मुझे सोचने दो। दुख रहा है इसको। Hey!
ये आवाज क्यों बदल गई? थोड़ी देर में तब ठीक हो जाएगा। सुना है जंगल के लोग मेहमानों के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, और तुम एक ऐसे मेहमान को जो चल भी नहीं सकता इस भयंकर जंगल में अकेला छोड़ के जा रहे हो। और हाथी आ गए तो? ये मंगेतर है ना तुम्हारा? ये मेरा मंगेतर नहीं है। हाँ हाँ, ये इनका मंगेतर नहीं, ये तो इनकी बहन है। तो पहले झूठ क्यों बोला? मैं अरे फिर उठा रहा है। अरे अरे अरे, ये कैसा हाथी है? इसकी सूंड कहाँ है? अबे तू उल्टा बैठा है गधे। ओ नहीं नहीं, ये हाथी उल्टा है। पंछियों की भाषा जानते हो? मैं बचपन से इन्हीं के साथ तो रहा हूँ। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये? ये मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथ ये जो लड़की है, क्या ये तुम्हारी दुल्हन है? तो तुमने क्या कहा? मैंने इनसे कहा कि मेले में जोशी महाराज तो कह रहे थे कि आज मुझको मेरी दुल्हन मिलेगी, मगर पता नहीं कोई खूबसूरत लड़की इस जंगली को अपना दुल्हन मानेगी या नहीं। अगर मैं इन पंछियों की भाषा जानते ना, तो उनसे कहते हैं उनका कोहिनूर बिल्कुल बुद्धू है। हिंदुस्तानी लड़की कितनी ही आज के जमाने की क्यों ना हो, वो अपने प्यार का इकरार अपनी जबान से कभी नहीं करेगी। लड़के को इसका जवाब खुद उसकी आंखों में आंखें डाल के जान लेना चाहिए। अबे एक्टिंग यार, एक्टिंग। हाँ, जवाब मिल गया। अरे ये तो सचमुच दुल्हन ले आया, वो भी शहर की में। ओए अरे तू तो सचमुच दुल्हन ले आया, और दुल्हन भी ऐसी जैसे कोई अप्सरा। क्या मुन्ने ताई नजर लगाओगी क्या? बाबा आ गए, पहुंचो ना। जीती रहो। आप दूर से आई हैं, थक गई होंगी, भीतर आराम कीजिए। इधर नहीं, उधर आप जा सकती हैं। बहन जी मैं बहन जी नहीं, भाई साहब हूँ। बात करती है। जब देखो कोई ना कोई बचपना करता रहता है। कौन है वो? दुल्हन। दुल्हन? अब आप ही लोगों ने तो कहा था कि थलोटी के मेले से दुल्हन ले आना, और जब ले आए तो शादी ब्याह का मतलब समझता है? हाँ हाँ जानता हूँ, शादी ब्याह वो रिश्ता होता है जिसे ऊपर वाला आसमान में तय करता है और दुनिया वाले सिर्फ रस्में पूरी करते हैं। अब ये सब तो मैं जानता नहीं, आप ही को करना पड़ेगा बाबा। तू भोला है रे, सचमुच बहुत भोला है, लेकिन वो शहर की, तू गांव का। प्यार मोहब्बत में तो लोग देशों की सीमाएं तोड़ देते हैं बाबा, फिर ये गांव और शहर क्या होता है? और फिर
मुनियाताई तो कहती है जिसे देखकर सांस रुक जाए, दिल थम जाए और आंखों के सामने हजारों फूल खिल उठे, वो कोई अजनबी नहीं, जन्म जन्मांतर का साथी होता है। मगर बाबा अगर फिर भी आप कहें तो मैं उसे अजनबी ही समझ लूंगा। कोहिनूर मिल गया सर, he's a miracle. और मैंने उसे झूठे प्रेम जाल में फंसा लिया है। वेरी गुड। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि कोहिनूर इतना अच्छा आदमी है कि पैसों से उसे कोई खरीद नहीं सकता। He is an idiot. अच्छा मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, तुम उसे कहो कि तुम शहर में रहकर भी पुराने संस्कारों वाली हो। भाई तुमने तो उसे पसंद कर लिया है। मगर जब तक तुम्हारी माँ उसे पसंद नहीं करती ये शादी नहीं हो सकती। अरे कुछ इस तरह की बात बनाकर उसे शहर ले आओ। ऑलराइट सर, मैं कुछ सोचती हूँ। ओए कोहिनूर आठवां अजूबा, इससे पहले कि वो उन्हें लेकर निकले मुझे मधुबन पहुंचना होगा। देख बेटी, तू इसे अपने माँ बाप से मिलाने शहर तो ले जा रही है, पर ये तो बहुत भोला है। ये पशु पक्षियों को तो अच्छी तरह से जानता है पर इंसानों को नहीं, इसका ख्याल रखना। बहन जी सुनिए तो, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मैं बहन जी नहीं भाई साहब हूँ। आप जो भी हैं, पर गांव से जाते वक्त आप खाली हाथ नहीं जा सकते। ये लीजिए। शुक्रिया। हमारे तरफ से ये पहला। और ये हमारी तरफ से सब्जियां। अरे मैं आदमियों को सब्जी की दुकान नहीं हूँ। मुर्गी। अरे ये सर ये क्या? अरे हमारी तरफ से हटो। अरे ये गधा ले लो। गधे का मैं क्या करूँगा? जब शहर में तेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए ना तब इसे यूज करना। यू शट अप। किसी को और कुछ देना मेरे को? है तो सही, पर ये तुम्हारे लिए नहीं है, दुल्हनिया के लिए है बहन जी। बहन ये कोयल तरंग है, बजाइए। हालांकि मुझे संगीत के बारे में कुछ नहीं मालूम। इसे बजाने के लिए संगीत की जानकारी की जरूरत नहीं बल्कि दिल और आत्मा में प्रेम चाहिए, स्वर अपने आप फूटने लगेंगे। बेटी तुम कोहिनूर से प्यार करती हो ना, इसे अपने होठों से लगाओ, फिर देखो अपने आप कैसे मधुर स्वर फूटेंगे। अच्छा हाँ 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 अरे क्या मुनिया ताई, अरे शहर से आई है ना, देखो इसको ठीक से धरना भी नहीं आया। अरे ये कोयल को ऐसा उल्टा कर देंगे तो काम काम तो करेगी ना। देखो अब हम तुम्हारे लिए बजाते हैं।
जान दांव पे क्यों लगा दी? तुम्हारी कोई चीज मामूली कैसे हो सकती है? मैं तो सीधा साधा, मैं तो भोला भाला, जग से बेगाना। तूने देखा मुझे, तूने चाहा मुझे, तूने पहचाना। जीना तेरे लिए, मरना तेरे लिए, मेरी दिल जाना। दिल देके जो मांगे, चाहत की निशानी। दिल देके जो मांगे, चाहत की निशानी। बस यही है महाराजा की कहानी। मैं तेरा दीवाना, तू मेरी दीवानी। दर्पण में मौजों में कल कल, सीने में हलचल, यार बसा मन में। आंखों में चाहत, दर्द में राहत, चैन है बंधन में। मैं झोंका हवा का, तू रुत है सुहानी। मैं झोंका हवा का, तुरुत है सुहानी। बस यही है महाराजा की कहानी। मैं तेरा दीवाना, तू मेरी दीवानी। बस यही है महाराजा की कहानी। बातों में मोहब्बत, धड़कन में रवानी। बस यही है महाराजा की कहानी। मैं तेरा दीवाना, तू मेरी दीवानी। महाराजा, 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 महाराजा। जिस बात का डर था वही हुआ। चालाक दुनिया वाले हमारे कोहिनूर को हमसे छीन ले गए। अली, इससे पहले कि वो उसे हमसे बहुत दूर ले जाए, हमें उस ट्रेन को रोक देना चाहिए। इस पहाड़ी के रास्ते से कोहिनूर, जरा सोचो। जरा क्यों, पूरा क्यों नहीं? सीरियसली कोहिनूर, तुम्हें पैसा कमाने के बारे में कुछ सोचना होगा। शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन शादी के बाद तुम मुझे खिलाओगे क्या? बाबा के कितने खेत खलियान है, न जाने कितने गरीब आके ले जाते हैं। तुम भी दो रोटी खा लेना। और शादी के बाद मैं पहनूंगी क्या? मुनिया ताई है ना, दिन भर भूनती रहती। तुम भी दो चार लहंगा फूरिया बुन लेना अपने लिए। तुम मुझे लहंगा फूरिया बनाओगे? फूरिया फूरिया फूरिया। और मेरे बच्चे, मेरे बच्चे भी लहंगा फूरिया पहनेंगे? अरे बच्चे तो 5-6 साल तक नंगे ही अच्छे लगते हैं। मतलब ये कभी पैसा कमाने के झांसे में आने वाला नहीं है। अच्छा ये बताओ, हम रहेंगे कहाँ? रहने के लिए दुनिया की सबसे सुंदर जगह इंसान का दिल होता है। दिल, तुम हमारे दिल में रह लेना, हम तुम्हारे दिल में रह लेंगे, और हमारे बच्चे हम दोनों के दिल में। तुम्हारे इसी बात पे दुनिया की सारी दौलत कुर्बान। वाह वाह वाह, हॉलीवुड में होती ना तो टाइटैनिक फिल्म की हीरोइन होती। क्या एक्टिंग कर रही है? माफ करना मेरे दोस्त, ये असली चल रहा है। हाँ? हाँ!
कोई आ रहा है क्या? क्या रंबा संबा डांस? सिंह मारा गया, उसको मारने वाले हवलदार हजारा सिंह को 2 लाख रुपए का इनाम दिया गया। 2 लाख रुपए का इनाम दिया गया? अरे कोई डाकू मुझे क्यों नहीं मिलता, मैं भी उसे मार गिराऊं और माल कमाऊं। अमीना बी अमीना बी, मैंने तुझे यहां इसलिए बुलाया है कि तेरी तायखाने की कोठरी से ठीक से चांद दिखाई नहीं पड़ता। देख, देख ऊपर आसमान में, देख आधा चांद। इस आधे चांद की तरह तेरी उम्मीदें भी आधी हैं, टूटी या नहीं? टूटी।
20 साल पहले मैंने जो अहद लिया था वो किसी उम्मीद पे नहीं रणवीर, बल्कि उस यकीन पर लिया था जो हर सच्चे मुसलमान को कुरान पाक पर है और उस परवरदिगार पर है जिसने कुर्बानी का पैगाम दुनिया को दिया। याद रख, अमावस्या की रात कोहिनूर के हाथों तेरी जिंदगी का सूरज डूबेगा, या फिर अमावस्या की रात ही नहीं आएगी। सूरीमणि के बेटे हैं और जो बच्चे के साथ भाग रही है वो हमारे साथी मीणा की बीवी है जो हमें जंगल में रसद पहुंचाता है। ये मेरा पता जानने के लिए अक्सर इन मासूमों पर जुल्म ढाया करते हैं। तो क्यों ना अली भाई आज ने आपका पता बता ही दिया जाए। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ए, अरे हम कोई कुत्ते नहीं जो तेरी आंखों का जादू हम पे चल जाए, समझे? तुम कुत्ते बन भी नहीं सकते, कुत्ते बड़े वफादार होते हैं। तुम तो उस सांप की औलाद हो जिसने अपने बहन के परिवार तक को नहीं छोड़ा, और आज हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। उल्लू के पट्ठो, हम अफीम उगाते हैं दुनिया को खिलाने के लिए, खुद खाने के लिए नहीं। जब बाबू वो आ गया। कौन? कोई चीचा जी कापड़ नहीं, चीचा जी मैं कह रहा हूँ कापड़ा नहीं, चीचा जी कापड़ा जी कापड़ा नहीं, मैं कह रहा हूँ कापड़ा। तुम क्यों काप रहे हो? करो, अरे साथ साथ मारे को भी कापने की आदत हो गई है। अरे इन गधे के बच्चों की बात का क्या भरोसा कर रहे हो? मारे कहने का मतलब ये कि ये गधे से पिट के आएंगे तो कहेंगे कोहिनूर ने पिटा है। पहले ठंडे दिमाग से सोचो, देखो कि वो कोहिनूर है कि नहीं है। यहाँ बड़े महाराज की समाधि है, देखो अपना प्यार है। सात समंदर से भी गहरा देखो अपना प्यार है। इस घर में अब हर पल हर दिन खुशियों का त्योहार है। गुजरी पल I'm
पैरों पे सजते हैं, कुछ सांस दिलों में बजते हैं, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो। असलम, तेरी कुर्बानी खाली नहीं जाएगी मेरे भाई। जीजा जी कापड़ा नहीं? क्यों मणि, अब तो भरोसा हो गया ना? हम अपने साथ मधुबन से अपने महाराज को लेकर आए हैं। जी महाराज, कोहिनूर महाराज की जय। 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 जीजा जी, ये टाइम उल्टी सिगरेट जलाने का नहीं है, उल्टे पैर भागने का है। मैडम जी, फिर से सीटी, क्या होगा, क्या होगा? मौत। हाथ में तलवार, चेहरे पे खौफ, लगता है मेरा कोहिनूर आ गया है। गार्ड्स! अमीना बेगम को बाइज्जत हमारे महल में लेकर आओ। नहीं, हमें यह सौदा मंजूर नहीं। अमीना बी को छुड़ाने के लिए कोहिनूर महाराज को अकेले श्री महल नहीं जाने देंगे। अली, तुम ठीक कह रहे हो, रणबीर का यह बुलावा छल है, जाल है। अमीना की आजादी के लिए नहीं, बल्कि कोहिनूर की जिंदगी के लिए बिछाया गया है। हाँ हाँ, हम ये सौदा नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, जो अमीना माँ 20 साल से रणबीर के साथ कोहिनूर की जान बचाने के लिए अपनी जान का सौदा करती रही, क्या उस माँ के लिए कोहिनूर एक दिन मौत से सौदा नहीं कर सकता? लेकिन महाराज, महाराजा भी कहते हो अली भाई, और महाराजा का कर्तव्य निभाने से भी रोकते हो। महाराजा वो नहीं होता जिसके सर पर ताज और पैरों के नीचे मखमल हो। महाराजा वो होता है जिसके दिल में अपनों के लिए प्यार और बाजुओं में उनकी रक्षा करने की ताकत हो। जिस समीना माँ ने हमारी जान बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान दिया हो, उस माँ को प्रणाम करने का इससे सुंदर अवसर और कोई हो ही नहीं सकता। जाओ, जाकर कह दो रणबीर से कि कोहिनूर अपनी अमीना माँ को लेने के लिए श्री महल जरूर आएगा, अकेला। दो दो, अरे कितना हैवी है रे, मर गया रे। कुली, अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ऐसे होगा बेटी, स्टेशन का पूरा देवपुर ही खाली है, सबके सब श्री महल गए हैं कोहिनूर को देखने।
चलें। Shut up! साथियों, धोखा फितरत है रणवीर की, इसलिए हमें अपने आप को छुपाते हुए बचाते हुए महल को घेरना है, ताकि उसी तरह से हम अपना फर्ज निभा सकें जिस तरह से महाराज अपना धर्म निभा रहे हैं। महाराज का स्वागत है। कहिए, आपकी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? बस एक कमी रह गई। हाँ? जब महाराज आते हैं तो घर के नौकर चाकर इस तरह से पांव फैलाकर कुर्सी पर नहीं बैठते, बल्कि सर झुकाकर महल के बाहर दरवाजे पर खड़े रहते हैं। और भूल गए रणवीर, कुछ दिनों के लिए सही, मगर तुम हमारे नौकर तो थे ही। हाँ? बहुत अच्छे। माय डियर, 20 साल जंगलों में रहे हो लेकिन आज तक तेवर नहीं बदले। हा? अंदाज वही महाराजाओं के। ये तो खून की बात है। तुम भी तो 20 सालों से इन महलों में बैठे हो, मगर तुम कहां बदले, फिर भी रहे वही के वही घटिया छिछोरे मक्कार धोखेबाज। बहुत गुमान है तुम्हें अपने खून पर। बहुत गुमान है तुम्हें अपने खून पर। किस खून पर? उस खून पर जिससे बरसों पहले मैंने अपने हाथ धोए थे। अगर तूने मेरे परिवार के खून से हाथ धोए थे तो मैं तेरे खून से अपने पांव धो लूंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तूने मेरे परिवार के पीठ पे वार किया था और मैं तेरे सीने पे वार करूंगा। मेरे नन्हे भतीजे, जमाना आजकल सामने लड़कर मरने वालों का नहीं, बल्कि मौका देखकर मारने वालों का है। मेरे बूढ़े फूफा, मैं भी मौके की ताक में ही तो हूं। एक बार अमीना भी मेरे हाथ लग जाए, फिर देख मैं कैसे तेरी ये गर्दन तेरे धड़ से अलग करता हूं। हाँ।
नानी, नानी ने कहा था। क्या कहा था? नानी ने कहा था कोहिनूर एक दिन आएगा और तुझे मारेगा मुझे। देखो देखो, कोहिनूर आज मेरे सामने खड़ा है और मुझे मारने की बातें भी कर रहा है। वारे मेरी किस्मत, लेकिन आज तकदीर को अपने साथ खेलने नहीं दूंगा। ये रही अमीना बी, देख। अमीना बी देख, तेरा कोहिनूर आया है। सवेरे देखो तुमको कितना सुंदर रूप है, शाम सवेरे देखो तुमको कितना सुंदर रूप है, संग तुम्हारा ठंडी छाया सारी दुनिया धूप है, ये जीवन अच्छा लगता है, ये जीवन अच्छा लगता है, हर सपना भी अमीना देखी है, उसके मौत का सामान नहीं देखा। आंसुओं को मत बहा, और भी नजारे हैं, देख चेहरों को देख। कई दिनों के भूखे हैं, लेकिन इन पर तुम्हारी आंखों का जादू बिल्कुल असर नहीं करेगा, क्योंकि इंजेक्शन देकर इन शेरों को अंधा कर दिया है। अंधा।
हाँ मेरे दोस्तों, बरसों पहले किए छोटे से उपकार को भी नहीं भूले, मुझे सुनकर पहचान लिया। रणबीर, अमीना माँ तो आजाद हो गई, अब तू अपनी गर्दन संभाल के रखना। आओ अमीना माँ। ए रणबीर, मेरे मतलब दामाद जी, आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं आप? आज भी आपकी तकदीर लपक गई, चपक गई है? लाने को बस यही दो शेर मिले थे आपको? चलो मारे गए गुल। अभी मेरा असली खेल बाकी है। अटैक! अमीन अभी अली, अली माशाल्लाह मेरा बच्चा। हाँ अली, तुम अमीन अभी को यहां से लेकर निकल जाओ, जाओ। महाराज तुम मेरी फिक्र मत करो, अमीना माँ और बाबा के आशीर्वाद से आज मैं इन सब पे भारी हूं। तोबा, पहली बार दिमाग ने काम किया और बाल बाल बच गए। अरे के जिंदगी भर हम पुलिस स्टेशन में छुप के रहेंगे? दामाद, अरे दामाद जी, पिछले 20 वर्षों से अमीना के नाक में दम करके कोहिनूर का पता पूछ रहे थे कि कोहिनूर कहाँ है, कोहिनूर कहाँ है, और जब वो आ गया तो उसका सामना करने की बजाय यार छुप कर बैठे हो, शर्म नहीं आती?
अरे छुपने के लिए हम क्या कम थे? Shut up, will you? मैडम इसमें नाराज होने की बात नहीं है, जब तक कोहिनूर की आंखों में शक्ति है कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे मैं तो कह रहा हूँ अब जान की खेर, मुंह छुपाकर छुपने में नहीं है, दुम दबाकर भागने में। भागो चलो। अरे मामा जी दुम दबाकर भागने से अब कोई फायदा नहीं है, अली के लोगों ने देवपुर को पूरी तरह से घेर लिया है और चारों तरफ आप लोगों की ढूंढ हो रही है, और इतना ही नहीं उसने आपके अफीम के खेतों को भी जला दिया है। हाँ, और आज नहीं तो कल वो शिकार बाड़ी में कैद जानवरों तक भी पहुंच जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। रणबीर साहब का कहना है जो कुछ करना है अब कोहिनूर को करना है, वो तो सिर्फ तमाशा देखेंगे। अब तो कोहिनूर की चाल है, आज से तुम सब आजाद हो। महाराज बाकी के तमाम जानवरों को भी रणबीर की कैद से छुड़ा दिया है। महाराज इन किसान भाइयों के लिए क्या हुक्म है? आपकी कृपा से 20 साल के बाद इन्हें आजादी मिली है, जबरदस्ती इन्हें और इनके बच्चों को अफीम खिला खिला कर ये हालत बना डाली है। अली भाई इन्हें नशे की मार से बचाने के लिए गांव के आसपास के तमाम डॉक्टर और वैद्य को बुला लीजिए, इन्हें लेकर डेरे पे चलिए, मैं मंदिर होकर आता हूँ। जी महाराज। मीणा चलो। जीजा जी कहीं अपना प्लान तो नहीं फेल हो जाएगा? ये तो शक्ल से ही बदमाश गुंडा लगता है, कहीं पकड़ा तो नहीं जाएगा ये? नहीं जीजा जी, पकड़ा जाएगा कोहिनूर, थोड़ा इंतजार करो। इंतजार 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 इंतजार, हाउ मच मोर? अरे तुम उस कोहिनूर के दिल में जगह बनाना तो दूर, उसे मिल भी नहीं पा रही हो। सुनाई नहीं दे रही कोहिनूर की आने की आहट हवाओं में? कमाल है, तुमको कोहिनूर के आने की आहट सुनाई देती है, मुझे जिंदगी में आज तक कोई आहट क्यों नहीं सुनाई दी? सुनाई देगी, ध्यान से सुन, ध्यान से। आ? 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 वो देख मोटी आ रही है। शैली मुझे बचा। शैली नहीं शोभा। कोहिनूर महाराज, अब ये लॉकेट तुम्हें अपने हाथों से मेरे गले में डालना होगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वा, स्वस्ति न पूखा विश्व वेदा, स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टरी, स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। प्रेमिकाएं अपनी प्रेमी के लिए जान देती आई हैं, लेकिन आज आज प्रेम के इतिहास में पहली बार एक प्रेमिका अपने रूठे प्रेमी को प्रेम का यकीन दिलाने के लिए जान देने जा रही है। फटाफट लकड़ी डालो, असली चंदन है ना? हाँ, असली चंदन है। वेरी गुड। अरे ओ बिटिया, जान देना चाहती हो ना? हाँ हाँ। तो फिर साधारण लकड़ियाँ क्यों नहीं जलाती? हाँ? क्यों भाई? क्या है कि चंदन की लकड़ियाँ वैसे भी हमारे जंगलों में बहुत कम होती जा रही हैं। अबे तुझे क्या, तेरे बाप के पैसे से चंदन खरीदा है क्या? सारा धंधा चौपट कर रहा है। सुना गाँव वालों, यहाँ एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए जान देने जा रही है और इनको धंधे की पड़ी है। ये गांव तो शहर से भी आगे निकल चुका है। हाँ तो भाई और बहनों, मेरे लिए अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे मरने के बाद मेरी राख का तावीज बनाकर मेरे प्रेमी के गले में डाल देना, जीते जीना सही, मरने के बाद तो उसके दिल के पास रहूंगी। राख पर खाक डालो, तुम भी अकेली हो मैं भी अकेला हूँ, चलेगा क्या? वैसे भी खुदकुशी करना पाप ही नहीं अपराध भी है। Don't touch me!
जो किसी का दिल तोड़ने का जुर्म कर सकती है उसके लिए ये अपराध कौन सा बड़ा अपराध है? नहीं महाराज, ये ऐसी लड़की नहीं है, ये किसी से सच्चा प्यार करती है। किसी से क्या, मैं तो आपके महाराजा से ही प्यार करती हूँ। महाराज आपसे? और आज मुझे अपने प्यार की सच्चाई साबित करने के लिए खुदकुशी करनी ही होगी, जान देनी ही होगी। हुकुम, इसे रोकिए, नहीं तो इसे रोकिए, इसे रोकिए। हाँ, मुझे रोकने में और इसे मनाने में जिसको भी कोशिश करना है जल्दी कर लो। मेरे पानी पीने तक किसी ने मुझे रोक लिया तो मैं रुक जाऊंगी, वरना मेरी चिता जल के रहेगी। तुम्हें मालूम नहीं मुझे आग से कितना डर लगता है। अगर आग से डर लगता है तो मुझसे भी डरो। वॉच योर रूट गाय, आई लाइक इट। ये लो कोहिनूर, कोहिनूर, कोहिनूर। हुर के बच्चे कोहिनूर, देखो ये सच है, मधुबन में मेरे दिल में सवार था, लेकिन अब मेरी हर सांस में, मेरे दिल के हर धड़कने में सिर्फ तुम हो। देखो कोहिनूर, देखो ये अपना थ्रिया चरित्र बंद करो, अब तुम्हारे कोई नाटक का असर हम पर नहीं होने वाला। प्यार की सच्चाई साबित करने के लिए क्या करूं, जान दे दूं? प्यार में जान नसीब वाले देते हैं। हा? और तुम्हारा ऐसा नसीब कहा? हाँ मगर फिर भी दे दो, धरती का थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। कितना बदतमीज है, इसीलिए तो अच्छा लगता है। सुनो देखो वहाँ पे कुआं है, कूद के जान दे दोगी उस पे? जल्दी करो, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। ओके फाइन, यू डोंट केयर फॉर मी, आई डोंट केयर फॉर माय लाइफ, बट यू विल डाई विदाउट अ वाइफ। हाय 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 हाय। कोहिनूर, 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 मैं सचमुच कुएं में कूद जाऊंगी। कूद जाओ नेकी और पूछ पूछ। ओके ओके ओके। ये नया नाटक। नाटक बाज लगी है। हंस क्यों रहे हो? मैं तो कूदी थी ना, पानी कम निकला तो मैं क्या करूं? हाँ अरे तुम बहुत होशियार कबूतरी हो, तुमको पहले ही मालूम होगा कि यहाँ पर पानी कम है, इसलिए तुम यहाँ कूदी होगी। प्यार में मरना जरूरी है क्या? What an old fashioned guy यार, अगर मर गए तो प्यार कैसे करेंगे? Come here, son, this much, this much? प्यार भूल गई वो दिन हमको उल्लू बनाकर शहर ले जा रही थी, तुम सिर्फ ढेवे से प्यार करती हो, ढेवे से। ये लो ढेवा, इसको गले लगाओ और प्यार का भरपूर आनंद उठाओ, ये लो। कोहिनूर! अरे जाओ। कोहिनूर! बढ़िया आई। What a rude guy. That's why I love him. कोहिनूर, I love you even more. Thank you.
जाओ गुलटिया, जाकर इन्हें शहर जाने वाली रेल तक छोड़ाओ। कोहिनूर? बोलो बात, तुम क्या समझती हो, तुम दोबारा इस जंगली को अपने प्रेम के जाल में फंसा लोगी? कोहिनूर? बोलो बात। ये बस समझना कि हम तुमसे प्यार करते हैं इसलिए हमने तुम्हारी जान बचाई, और जंगल में आए दिन हम हजार बंदर बंदरियों की जान बचाते रहते हैं, सो तुम्हारी भी बचा ली। मधुबन में तो तुम हमको अपने प्यार के जाल में फंसा कर हमारे फर्ज से दूर करना चाहती थी, अब क्या समझती हो कि तुम दोबारा हमारे फर्ज से हमको जुदा कर दोगी? कोहिनूर? बोलो बात। अगर तुम हमसे प्यार करती तो क्या अपने मंगेतर को लेकर यहां आती? कोहिनूर? बोलो मत। क्या करोगी इतनी ठेवे का, निवाला बनाकर खा जाओगी कि बिस्तर बिछा के सो जाओगी उस पर? बोलो, अरे बोलो ना, क्या करोगी इतनी ठेवे का? अरे बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? अरे बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? तुम इधर मना क्यों? बोलो मत। हमारे पास किसी की फालतू बात सुनने का समय नहीं, जाओ गुलाटे छोड़ाने। चल सूरज। कोहिनूर? बोलो मत। कोहिनूर? माय फ्रेंड गुलटिया, देखो ना, कोहिनूर मुझसे नाराज है, यू नो, नाराज, एंग्री। तुम मुझे समझाओ ना गुलटिया। देखो, मैं यहाँ माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती। तुम समझते क्यों नहीं हो, आई लव कोहिनूर। अरे मैं कोहिनूर से प्यार करती हूँ, तुमने कभी किसी मदरिये से प्यार किया है ना? है ना? हाँ हाँ, तो फिर मैं यहाँ वापस रहूँ, प्लीज। मिस्टर गुलाटिया, ये शेली को कहाँ लेके जा रहे हैं आप? कहाँ लेके जा रहे हैं आप? आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। ओए कोहिनूर ने इसे मेरे पीछे लगा दिया है। कोहिनूर, कोहिनूर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारा और कोहिनूर का जमने वाला नहीं है। एनीवे, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। आगे बोलो। कहा कि मुझे बॉम्बे जाने वाली ट्रेन में बिठा के आए। बॉम्बे? ऑफ कोर्स बॉम्बे। मिस्टर मॉन्की, ये काम हम जैसे इंसानों का है, तुम जैसे बंदों का नहीं है। Hey, go away! देखा मैंने उस मंकी को कैसे बेवकूफ बनाया? ओए तूने से नहीं, बल्कि वो तुझे बेवकूफ बना गया। देख उधर। इधर क्या करने आ रहा है भाई साहब? आप कहाँ से आ रहे हैं? बॉम्बे। बॉम्बे से निकालिए टिकट। What ticket? Without ticket? Yes. 3,000 रुपए जुर्माना निकालिए। 3,000? 3,500? 3,500? आप 4,500? 4,500? 6,000? 6,000? 7? 8? 8? 9? 9? 10? बस, मुझको मालूम है कि आपको गिनती आती है। हवलदार, लेके जाओ इसे। हवलदार? अरे क्या, चल चल। अरे टूटू, टूटू, तू तो कुछ करना है यार। टूटू कौन है भाई? मैं आपको नहीं जानता। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आप कौन है? मैं कौन हूँ? तू बदल गया भाई साहब जी। जेल जाएंगे? हाँ, टिकट जो नहीं है इनके पास। हाँ, तो फिर हमारे पास भी टिकट नहीं है। हम जेल जाएंगे, हम भी यही रहेंगे। मैडम, आपके पास तो सही टिकट है। बॉम्बे जाने वाली गाड़ी खड़ी है, आप जाकर बैठ सकती हैं। नहीं, वो क्या है ना भाई साहब। ओके 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 गुलटिया, हम जा रहे हैं। मैं तुमको यहाँ से डिसमिस करा दूंगा। मेरे डैडी सैटेलाइट चैनल के मालिक है। अरे तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? हाँ मालूम है, भैनजी ना। भैनजी? अरे तू बहन जी, ये पुलिस स्टेशन बहन जी, तेरा अफसर बहन जी, ये पूरा गांव बहन जी, तेरे होने वाला बच्चे बहन जी। हाँ, चला गया, अब मैं अकेला क्या करूंगा? Hey, somebody there to save me? मैं हूँ ना। कैसे समझाऊं, कैसे? I really love him. God, help me. Help me, please.
मैं तेरा दीवाना 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 तू मेरी दीवानी 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 बस यही है महाराजा की कहानी बातों में मोहब्बत धड़कन में रवानी क्या हो गया शंभू? हुकुम गजब हो गया, हम सब बर्बाद हो गए। कुछ कीजिए हुकुम, गजब हो गया। हाँ? ये सब हुआ कैसे? क्या हो गया हुकुम? रणबीर ने इन बच्चों को जन्म से ही अफीम ज्यादा और रोटियां कम खिलाई। अब अचानक अफीम बंद करने के बाद इन्हें विड्रॉल सिम्टम तो होना ही था। मेरे पास जितनी दवाइयां थी सब खत्म हो गई। अब इन्हें बचाने का एक ही रास्ता है, किसी तरह इन्हें लंबे समय के लिए सुला दिया जाए। आप इन्हें एनेस्थीसिया क्यों नहीं दे देते ताकि ये लंबे समय के लिए गहरी नींद में सो जाए? मैडम, ना ही मेरे पास एनेस्थीसिया है, ना ही कोई दूसरा रास्ता कि मैं इन्हें लंबे समय के लिए गहरी नींद में सुला सकूं। अब मेरे बस में कुछ नहीं है, अब तो कोई दैविक शक्ति इन्हें बचा सकती है। दैविक शक्ति? हाँ, दैविक शक्ति तो हमारे हुक्म के पास है। अच्छा, तुम सबको दर्द से राहत हमारे हुक्म दिलाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता बाबा? मुझसे पूछता है क्यों नहीं हो सकता? भूल गए तुम? अरे, तेरी आंखों की शक्ति के पीछे एक बंदिश है। अगर इस सम्मोहन शक्ति का इस्तेमाल तू इंसानों पर करेगा तो ये खो जाएगी। पर इन सबकी जान तो बचानी होगी बाबा। और फिर मुझमें ऐसा विशेष क्या है कि भगवान मुझे इतनी शक्ति देता? जरूर आज ही के दिन के लिए दी होगी। हुकुम, ये भी पूछ लेते उस भगवान से कि हमारे उस इंतकाम का क्या होगा, हमारे उस इंतजार का क्या होगा जो बरसों से हमने आपके लिए किया है। कुर्बानियां पहले भी बहुत सी दी हैं, जाने पहले भी बहुत सी गई हैं, आज और जाने चली जाएंगी और कुर्बानियां दे देंगे। हुक्म, आपकी देवी शक्ति खत्म नहीं होने देंगे। अली भाई, रणबीर को मारने के लिए देविक शक्ति की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो मेरे दो हाथ और अमीना माँ का आशीर्वाद ही काफी है। हाँ, मगर इन लोगों की जान बचाने के लिए देविक शक्ति की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि मारना आसान है मगर जान बचाना बहुत कठिन है। ऊपर वाले से मनाओ वाली भाई, अगर ये ठीक हो गया ना तो वो तो ठीक हो ही जाएगा। शक्ति जा चुकी है। ओह!
जय गजराज। बांध लो सबको, ले चलो इनको रणवीर साहब के पास। गरीबला और गरीबला मैंने अपनी किस्मत आज बदल ही डाली। कैसा जाल बुना मैंने, तुम्हारी शक्तियां चली गई, तुम्हारी महबूबा अली उसके साथी सब मेरे कब्जे में आ गए। अब तुम बूढ़ी अमीना की गोद में सर रख के रो, क्योंकि कुछ घंटे रह गए हैं सूरज ढलने में। तुम तो ये भी नहीं जानते मैं कहां हूं, कैसे पहुंचोगे मुझ तक। नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये कोहिनूर की महबूबा जिससे भी शादी करेगी उसकी उम्र लंबी होगी। बस इससे पहले कि सूरज ढले और अमावास की काली रात शुरू हो, तू इस लड़की से शादी कर ले, इस लड़की से शादी कर ले, शादी कर ले। एक और शादी? शादी नहीं, सौदा। मैं ये सौदा करूंगी, लेकिन मेरी हैसियत बतौर मिसेज रणबीर सिर्फ आपके दिल में नहीं, बल्कि पूरे इस रणबीर एम्पायर में नंबर एक की होनी चाहिए। आए नंबर एक। पूरे रणबीर एम्पायर में नंबर वन की पोजीशन सिर्फ एक की है और एक की रहेगी। And that's me, Mrs. Ranbir, Lady Helena. Do you understand? बिल्कुल, बिल्कुल मैडम जी। मुझे तो इसमें कोई खास ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है जो यो एक नंबर हो, है? जो चीज दिखाई नहीं गई हो, वो नजर कैसी आएगी? अच्छा? हाँ? अगर ऐसी बात है, तो दिखा दो। मिस्टर रणवीर, बिखरेगा हमारा जलवा, जरूर बिखरेगा आपके इस जलमहल में। आ,
रणवीर के साथ इतनी बड़ी फौज और तू अकेला कैसे लड़ेगा बेटे? देखा बाबा, मैं अकेला नहीं हूं।
तुम्हारे किले और तुम्हारी फौज को मेरी फौज ने चारों तरफ से घेर लिया है। ये फौज, ये जानवर, हाँ ये जानवर जिससे प्यार करते हैं उस पर अपनी जान वार देते हैं, शायद इसीलिए ये जानवर कहलाते हैं। और हाँ, ये जानवर तुम्हारे इन किराए की फौज की तरह नहीं है, जो दौलत के लिए कल तक मेरे पिता के साथ थे, आज तुम्हारे साथ है और कल फिर मेरे साथ होंगे। कोहिनूर बाबा, मैं सिर्फ कोकेन का सौदागर ही नहीं बल्कि मौत का सौदागर भी हूं। मौत, मौत का सौदागर। न जाने आज तक कितने जानवरों को मारकर उनकी खालों में भूसा भरवा दिया, कितने सिरों को कटवाकर दीवारों पर सजवा दिया, न जाने आज तक कितने हाथियों के दांत तोड़कर बाजार में बेच दिए, और तुम्हारे ये सर्कस, मैं डर जाऊंगा। तो चल रणबीर, मेरा भी आज तुझसे वादा रहा, तेरी मौत तो मेरे हाथों होगी लेकिन तेरे ये दांत ये हाथी ही तोड़ेंगे, और महल की जिस दीवार पर तूने जानवरों की खाले लटका रखी है, आज ये जानवर इसी महल की किसी दीवार की खूंटी पर तुझे लटका देंगे। लेकिन ये सब तो आखिर में होगा, उससे पहले क्या हो सकता है ये तो देखो। हा? कम 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 आओ। अली भाई, ना 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 कोहिनूर बाबा, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो जल्लाद का हाथ उठ जाएगा। और अमीना भी, जो पहले ही एक बेटा खो चुकी है, दूसरा बेटा भी खो देगी। रणवीर सिंह, जिंदगी और मौत का फैसला किसी जल्लाद के हाथ में नहीं, उस परवरदिगार के हाथ में है। महाराज, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, आप आगे बढ़ें। आप हमारी परवाह न करें महाराज, आपको अपने भगवान की कसम, आप आगे बढ़े, आगे बढ़े महाराज। रुक रुक जाओ कोहिनूर, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। भगवान के नाम पे उठा कदम, पीछे नहीं हटता रणबीर। जीजा जी कांपड़े नहीं, जीजा जी कांपड़ा नहीं, हाथ बन रहा है, कम मैं थोड़ी रहा हूं, कम तो तू है।
जीजाजी मैं मरना नहीं चाहता, तब मर जाओ। अरे मैं भी मरना नहीं चाहता, ये तो शराबजादे रणवीर सिंह का सत्यानाश हो, फंसा दिया, मरवा दिया, ना घर का छोड़ा ना घाट का। तुम क्या कर रही हो? मैं टीवी रिपोर्टर हूँ। टीवी रिपोर्टर? वो देखो कैमरा। हाँ? वो शूटिंग के लिए भेजा है, लाइव टेलीकास्ट के लिए, यू नो लाइव टेलीकास्ट। तुम्हारे बॉस ने भेजा है मुझे। इंटरव्यू? तुम्हारा भी इंटरव्यू होगा। मेरा इंटरव्यू? मुझे दे दो। मेरी शूटिंग? हाँ। ऊपर देखो। चली गई। अगर इसे प्यार करते हो तो हथियार फेंक दो। तो सौदा यह है, इसकी गर्दन या तुम्हारी गर्दन। साल बाद मैंने अपनी किस्मत बदल ली। Huh?
Both of you are made for each other, and I am made for. Yeah! After all, आपकी शादी हो गई बहन जी. Oh no! मैं तेरा दीवाना.